तो 2018 के समय तो चला गया है ना, नया बैच 2019 के लिए जो हमारे द्वारा घोषित किया गया है उसका आज संपूर्ण विवरण आपको दे देंगे। हम आपको ये भी बता देंगे कि 2019 में जो परिवर्तन हुए हैं उसके लिए क्या क्या टॉपिक हैं और कौन कौन उसे पढ़ाएगा आज ही बता दिया जाएगा। कौन सा टॉपिक कब ख़त्म होगा आज ही बता दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से अब हर चीज़ को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, हर चीज़ को आपको रिटर्न फॉर्म पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसमें पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा यूपीएससी और पीसीएस का। देखो दोनों लेवल समानांतर हैं, आईएएस और पीसीएस के लेवल को आप अलग अलग करके नहीं आंक सकते। और मैं सही बताऊं जो मैंने अभी तक विश्लेषण किया है मेरे दृष्टिकोण से आप देखें तो मुझे पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से कई गुना ज़्यादा लगता है। कई गुना का मतलब ये नहीं है दो गुना बोल रहा हूँ, डेढ़ गुना हो गया है। यूपीएससी का जो सिलेबस था उससे यूपी पीसीएस का सिलेबस डेढ़ गुना हो गया है, ज़्यादा हो गया है। मेंशन किया है, देखा है इस बात को, देखा है कि नहीं देखा आपने, क्या क्या ज़्यादा है डिटेल से नहीं देखा अभी, मतलब नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं गया। किसने पढ़ा यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन? यूपी का स्पेशल जोड़ दिया गया, और क्या जोड़ दिया गया जो यूपीएससी में नहीं है जो पीसीएस में आ गया, यानी कि जो आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं उनको यूपी पीसीएस देने में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, हर चीज़ में ज़्यादा है। अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा अभी प्रत्यक्ष। हाँ, हिंदी का एक टॉपिक जो यूपीएससी में नहीं है यहाँ पर 150 नंबर का जोड़ दिया गया है, वो ज़्यादा ही है यूपीएससी की अपेक्षा ज़्यादा ही है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो जोड़ी गई हैं? यूपी की पॉलिटी अलग पढ़ना है, यूपी की ज्योग्राफी अलग पढ़ना है, यूपी की यानी यूपी स्पेशल पढ़ना है अलग से। और कुछ जो परिवर्तन आपको लगे हों, जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, यानी अब ज़्यादा पढ़ना है, सिंपल सी बात। अब सिलेबस ज़्यादा हो गया तो अब ज़्यादा पढ़ना है। अब जो ये सोचे कि आईएएस की तैयारी कर लेंगे पीसीएस निकल जाएगा, पक्का नहीं निकलेगा। पीसीएस की तैयारी करने से आईएएस निकल सकता है, क्यों? इथिक्स का सेक्शन यहाँ भी है वहाँ भी है, आईआर यहाँ भी है वहाँ भी है, इंडियन सोसाइट। लेकिन आईएएस की तैयारी करने से पीसीएस निकल जाएगा, अलग पढ़ना पड़ेगा पीसीएस पूरी तरीके से। ये 100% सत्य है, पहले भी यही था, आईएएस की तैयारी वालों का पीसीएस नहीं निकलता था। कारण क्या था? दोनों का लेवल अलग था। अब लेवल सेम हुआ, लेकिन सेम होने के बावजूद भी अभी भी वही हालत है, वही स्थिति है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में अब काफ़ी बदलाव पीसीएस भी कर रहा है। पहले होता था ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे 2016 की बात करूं तो प्री में ही 105 क्वेश्चन रिपीट किए, अब रिपीटेशन ख़त्म हो गया। अब यूपी पीसीएस क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, करेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंडायरेक्ट रूप से 2017 के यदि पेपर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे? 67 क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से, वो भी डायरेक्ट नहीं। पहले क्या होते थे, डायरेक्टली आ जाता था, सेम योजना उठा के रख दिया, सेम वही सब लिखा पढ़ी वही सेम होती थी। पिछले 20 साल के पेपर पढ़ लीजिए, हो जाता था। अब वो ज़माना गया, अब यदि आप उसी ज़माने में रहेंगे तो आप भी आउट हो जाएंगे, इन होने की कोई जरूर बात ही नहीं है। तो ये पूरा विवरण का इसमें 2018-19 का हम पूरा कंप्लीट आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आज़ाद आईएएस एकेडमी हर एक प्लेटफॉर्म पर है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है जितने भी। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, आज के समय पे 11 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आज़ाद आईएएस एकेडमी प्लस चलता है, आज़ाद आईएएस एकेडमी ऑफिशियल चलता है, आज़ाद आईएएस एकेडमी हिंदी चलता है। ठीक है, तो हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली का न्यूज़पेपर, 3 से 4 न्यूज़पेपर हम आपको पहुंचाते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन, बहुत सारी चीज़ें, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे ऑफिशियली आपको मिल जाती हैं। यूट्यूब चैनल से सब परिचित हैं, यूट्यूब चैनल एक बहुत जल्द 1 लाख के सब्सक्राइबरशिप में हम पहुँचने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल भी चलता है, टेलीग्राम्स ग्रुप हैं जो पेड बैच हैं वो चलते हैं आज़ाद आईएएस एकेडमी के। फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें हम लोग पहुँचाते हैं, सिलेबस से लेकर हर चीज़, आंसर राइटिंग भी यहाँ पर चलती है। ट्विटर में भी हैं, गूगल प्लस में भी हैं, और भी इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैं, तो सोशल हैं, वी आर सोशल है ना, हम लोग सोशल मीडिया से जो भी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ से जुड़ाव रखते हैं। ये संस्था के बारे में हैं चीज़ें, संस्था के बारे में जो भी चीज़ें हैं इसको पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, किस गोल को लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कार्यक्रम है जो हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे, जो करवाए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तैयारी का लेवल एक ही होगा, यूपीएससी लेवल, यानी कि विश्लेषणात्मक पद्धति पे पूरी तैयारी कराई जाएगी।
जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हो कोई भी चीज़ हम वन लाइनर के अप्रोच से पढ़ाते ही नहीं है, हर चीज़ को विश्लेषण करके डिटेल से। तो यूपीएससी लेवल की आपकी तैयारी हम कम्प्लीटली कराएंगे, खुद कराएंगे, ठीक है। आमतौर पर संस्थाओं में क्या होता है, नोट्स मिल जाते हैं, पढ़ लेना, टीचर लेक्चर देके चले जाते हैं। लेकिन आपने जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हर टॉपिक को डिटेल से, जब तक अच्छे से टॉपिक खुद कराते हैं। मेरा मानना है कि आपको खुद पढ़ाया जाए हर चीज़ को, ठीक है। खुद ही मेहनत करनी थी तो कोचिंग ज्वाइन करने का क्या मतलब, कुछ नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे चीज़ें होंगी सारी खुद आपको, एक एक तो हमारे द्वारा यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, सिविल सर्विसेस एग्जाम का नाम सिविल सर्विसेस होता है, वो कम्प्लीटली पूरा सिलेबस उसका कवर कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ये नाम है, ठीक है। पीसीएस अपर जो लेते हो उसको हिंदी में, यदि चूँकि मीडियम की बात है, मेरा मानना है कि यदि हिंदी मीडियम है तो पूरी तरह से क्यों ना हिंदी ही जाने, खिचड़ी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा, लोअर पीसीएस है। अभी बहुत सारे पद जो हैं कहते हैं लोअर पीसीएस के अपर में आ गए, इसलिए इस बार 831 पद बन गए, है ना। और ये भी कहने को आ रहा है लेकिन लोअर पीसीएस का एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम होगा, तो वो भी आपका इसी में कवर होगा सारा कुछ, एक ही कोर्स में सब कुछ कवर होगा, जितना सिलेबस है हर उसका एक कोर्स जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे, ये गारंटेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी परीक्षा, आरओ के हर साल एग्जाम होता है, अभी 8 अप्रैल को होके गुजर गया, वो भी माइनस मार्किंग पैटर्न पे आ गया, है ना। तो उसका मेंस लेवल तक का कंप्लीट करा दिया जाएगा, आप ये भी दे सकते हैं, कुछ नहीं बचेगा। जब इस बार समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम था, जो लोग एग्ज़ाम दिए थे ऑनलाइन बैच के, काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दिए और उन लोगों को पता है कि किस स्तर का, जितना भी हमने करंट अफेयर्स उस दौरान कराया, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी करवाया गया, हिंदी से 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 55 क्वेश्चन हमारे संस्था द्वारा कराए गए थे, लाइव सेशन करवाया था हमने, तो बहुत सफलतापूर्वक समीक्षा अधिकारी का सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। विभिन्न हिंदी भाषी राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे कि बिहार है पर्टिकुलर, अब हमने डिसीजन लिया है कि बिहार स्पेशल, बिहार पीसीएस का, और मध्य प्रदेश स्पेशल, मध्य प्रदेश पीसीएस का, राजस्थान का है और उत्तराखंड का है, इनके द्वारा आयोजित करने वाली जितनी है पर्टिकुलर राज्य स्पेशल भी करवाएंगे, बाकी का सारा सिलेबस सेम होता है, इतिहास अलग नहीं है देश का, देश का इतिहास एक ही पढ़ना है जो यूपीएससी में है। तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं आप लोग, ये भी डिजाइन कर सकते हैं अपने सिलेबस में, हम ये भी करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे जो कार्यक्रम है, एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ एग्ज़ाम का क्या कार्यक्रम है। जो समान अध्ययन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा बनाया गया है, जो कि 1 सितंबर से लागू हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं का एक समन्वित और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम समान अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र, एक समान अध्ययन प्रश्न पत्र आपका जो जनरल स्टडी का है, दूसरा सीसैट के साथ साथ मुख्य परीक्षा अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र, निबंध और समान हिंदी एवं साक्षात्कार को समिष्ट करेगा। इंटरव्यू पे भी जैसे क्वेश्चन बन सकते होंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, क्लास के साथ साथ आपको बताया जाएगा, आपको वहाँ पे मेंशन करते जाना है। जैसे कि आज मैंने आपसे वो कल मृत्युदंड पे चर्चा हुई थी हमारी, तो मृत्युदंड वाले में मैंने बताया था कि इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेंस में भी आ सकता है। विश्व के अब 30 देश ही गिने चुने बचे हैं जहाँ पर मृत्युदंड की सज़ा है, बाकी पूरे विश्व से मृत्युदंड खत्म हो रहा है, मानवाधिकार के रूप में मृत्युदंड को अब समाप्त किया जा रहा है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है मृत्युदंड से संबंधित टॉपिक, तो जहाँ जहाँ पे बताया जाएगा इंटरव्यू के लिए आपको एक अलग बुकलेट बनानी है कि इंटरव्यू से संबंधित क्या क्या इशू हो सकते हैं। ज़्यादा इशू करंट अफेयर्स के होते हैं, तो करंट अफेयर्स का पूरा प्रोग्राम करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स अभी चल रहा है वीकेंड में इस समय, क्योंकि अभी 19 अगस्त का एग्ज़ाम है, तो इसलिए करंट अफेयर्स हम चला रहे हैं, व्यापक स्तर पर चला रहे हैं। आर्थिक परिदृश्य हो गया, शशि शर्मा शेखर गुलेरी सर करा रहे हैं वो, और मेरे द्वारा न्यू जेन पर्सन हो गया, राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, ये सब कराया जा रहा है, और रविंद्र सर के द्वारा साइंस एंड टेक और वो सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूरा टॉपिक है। इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो होगा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी ने खुद कार्यक्रम डिसाइड करके बताया है कि पहले प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों के होंगे, 2 घंटे का होगा, ठीक है, इसके अबल आपको बनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र 80 प्रश्न होते हैं, ये ध्यान रखो, ये गड़बड़ कर देते हो। पीसीएस के एग्जाम पे क्या होता है, थोड़ा पीसीएस को समझते हैं। पीसीएस में यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, अभी भी 150 होंगे। अब देखो दोनों में अंतर कितना, चैलेंजिंग में क्यों बोल रहा हूँ, पीसीएस कठिन है, क्यों माइनस मार्किंग आ गई पीसीएस में। अभी तो क्यों, क्या होता था, धुआंधार
नहीं आ रहा, तुक्का मारते जाओ, एक लाइन से ए भर दो, जैसे भी करके कार करके चले आओ। लेकिन अब वो सब नहीं चलेगा, क्यों? माइनस मार्किंग है, गलत करोगे दंड दिया जाएगा आपको, 1/3 का 1/3 का आपको दंड दिया जाएगा, आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आप सकारात्मक से नकारात्मक में चले जाओगे। तो अब यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और 2 घंटे यानी 120 मिनट है, एक क्वेश्चन को करने के लिए UBPSS में कितना समय मिलेगा हमें? 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। यदि 120 क्वेश्चन और 120 मिनट होते तो एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट मिलता, अब 150 क्वेश्चन में 120 मिनट है यानी एक क्वेश्चन करने में 40 से 45। इस बार का UPSC का किसी ने पेपर देखा है? यदि पेपर देखा हो तो इस बार बकायदा पेपर नहीं, UPSC ने एक बुकलेट छापी थी इतनी मोटी सी, जो सर्वे किया गया मुखर्जी नगर में भी, जो मैं क्लासेस लेता हूँ ठीक है, उन सब आधार पर आपको बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने पिछली बार मेंस लिखा था उन बच्चों ने भी ये बताया कि आनन फानन में लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन करने पड़े, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए, क्यों? पढ़ ही नहीं पाए पूरा। इस बार UPSC ने रीडिंग स्किल चेक कर लिया प्री के एग्ज़ाम पे, राइटिंग स्किल मेंस में चेक करता है, इस बार देख रहा कौन कितना तेज पढ़ता है, किसका दिमाग कितना ज़्यादा शार्प है। बाकी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे, क्वेश्चन आसान थे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब एक आया था क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, पूरा पैराग्राफ दिया था, सीसैट लग रहा था, ये क्वेश्चन किधर से आ गया, सीसैट इधर डाल दिया गया और उसमें था कुछ नहीं, पूरा बकवास लिखा था लास्ट में वो इंटरनेट, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन UPSC चाह रहा है कि अब आपसे आपके रीडिंग स्किल को भी चेक करें कि आप कितना फास्ट पढ़ते हैं, ऐसा ना हो जाए कि आप कुंद गति से नहीं, तो यहाँ पर आपके रीडिंग स्किल को भी अब चेक किया जाएगा। दूसरा, आप कितना सुलझे हुए हो कि नकारात्मक दंड स्वरूप अपने अंक नहीं खो देते हो, ये भी चेक किया जाएगा। तो 150 क्वेश्चन होने वाले हैं PCS में, यानी PCS थोड़ा कठिन है। यदि UPSC पैटर्न के क्वेश्चन बनाए इन्होंने तो वास्तव में वहाँ पे समय पता ही नहीं चलेगा कब 2 घंटा बीत गया, 150 को कितना छूट गया। तो इस बार एक नए चैलेंज को लेकर के हमें तैयार रहना है, ये भी चैलेंज हमारे सामने देखने को आएगा। चूँकि हम करते क्या हैं, मार्क एंड रिव्यू में क्वेश्चन छोड़ते चले जाते हैं, सब थोड़ा ना आते हैं, पहला क्वेश्चन किया दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दिए, तीसरा बाद में करेंगे, मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं ना उसे, और अंत में क्या होता है, अंत में आनन फानन में गिनते हैं, पहले गिनने के बाद पता चला 80 हुए, बोला जो सीनियर था, सीनियर ने कहा था कि 120 होना चाहिए, तो फिर आनन फानन मारते हैं दबा दब गोला। माइनस मार्किंग में तो गड़बड़ हो जाएगा, 80 में हो सकता था सिलेक्शन हो जाता, ठीक है, सीनियर के चक्कर में आपने अपना गड़बड़ा दिया, सीनियर इसीलिए बोला था किसका ना हो, ठीक है, तो इसीलिए सीनियर विनियर की नहीं सुनना है, बाबा लोगों से बच के रहना है, ठीक है, बहुत सारे लोग बाबा हो गए हैं इस दुनिया में, बताऊंगा बाबा का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ये 400, ये UPSC है, थोड़ा UPSC को समझ लो, बाकी PCS तो अपना समझना ही है। 400 अंकों का टोटल होगा, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है सीसैट, कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब बहुत है, कोई क्यों नहीं है, 33% लाना ही है, नहीं कॉपी चेक नहीं करेगी, GS में टॉप भी कर जाओ, कुछ लोग सीसैट में टॉप करने के चक्कर में 33% नहीं ला पाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि सीसैट में इतने नंबर आने चाहिए, आन बान शान की चीज़ बना लेते हैं और सीसैट में गड़बड़ हो जाता है उनका, तो सीसैट में आपको महज क्वालिफाइंग नेचर ही लाना है बस, कि हम 50% का टारगेट बना के जाओ कि हमको 50% नंबर लाना है, वो घट के 33% तक में आ ही जाएगा, बाकी नंबर जुड़ना नहीं है, चुपचाप कॉपी चेक हो गई, दूसरी कॉपी पे आप इंटर कर गया एग्जामिनर, दूसरी कॉपी चेक किया आपका मेरिट बन गया, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि सीसैट में 33% ना पाए, ठीक है, तो इसका भी कंप्लीट तैयारी अभी करवाए, अभी सीसैट चल रहा है संस्था में, तो सीसैट हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा UPPCS में 2 प्रश्न पत्र जो कोई कभी नहीं बताता, आज जान लो 2 पेपर होंगे, इस भ्रम से मत रहो अंग्रेजी से बच जाओगे, अंग्रेजी का एक पेपर होता है UPPCS में, UPSC में नहीं होता, इसलिए UPSC आसान है, UPPCS आसान है, अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, बहुत लोग इसी को सोच के, ये क्वालिफाइंग पेपर के कारण आधे लोग IAS नहीं देते हैं। इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, 300 नंबर होगा, नंबर नहीं जुड़ेंगे एक भी, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, 25% नंबर लाना है, 75 नंबर लाना है बस, 25 क्या 300 में 75 नंबर नहीं लाए जा सकते, इतनी भी बद बुरी इंग्लिश हो सकती है आपकी। देखो द हिंदू न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहीं से द हिंदू न्यूज़पेपर हर संडे को पढ़ाया जाएगा संस्था में बैठा के, हर सैटरडे को, सॉरी इसी सैटरडे से द हिंदू न्यूज़पेपर अब चालू हो रहा है,
ठीक है, इसी सैटरडे से द हिंदू न्यूज़पेपर आपका चालू हो रहा है। पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर एक सप्ताह का एक ही दिन में ही संस्था में ही पढ़ाया जाएगा। चूँकि हिंदी मीडियम का बच्चा चाहे जितना कह दो उसको मज़ा हिंदी वाले न्यूज़पेपर पे ही आता है, हिंदी वाले में उसको रस आता है, इंग्लिश वाले में रस नहीं आता। तीन दिन हिंदू मंगाता है, चौथे दिन से कहता है दैनिक जागरण अमर उजाला किधर है, थोड़ा सा भी दुख। तो हम ये करेंगे कि यहीं द हिंदू बैठा के पढ़ाएंगे। हर सैटरडे को आपका 3 से 4 घंटे का क्लास द हिंदू का होगा। 4 घंटे में जो इम्पोर्टेंट पढ़ता भी क्या है इंग्लिश में, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता। कोई अच्छी फोटो दिख गई, ठीक है, पता चला अभी प्रियंका चोपड़ा की शादी होने वाली है, कुछ उसी में मज़ा आ गया उसे, चलो इंग्लिश पढ़ लिया, 4 शब्द जान गया, इन सब चक्कर में नहीं। तो सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पढ़ाएंगे, बस काम खत्म। इसलिए हिंदू अनिवार्य है, हिंदू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लिख लो। हिंदू नहीं पढ़ोगे जिंदगी में कभी सिलेक्शन हो जाए बता देना, मैं इतना बता रहा हूँ, हिंदू का इतना बड़ा रोल है। इसलिए इंग्लिश से पहली बार डरना नहीं है, क्योंकि हिंदू अहम रोल है, हिंदू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछे क्यों, करंट अफेयर्स मेंस में आता है, पीटी छोड़ दो, पीटी एक तरफ रखो, यूपीएससी का कोई मेंस उठा के देखे पूरा करंट अफेयर्स होता है। और एक ही देश में न्यूज़पेपर है द हिंदू, बाकी के न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के लिए छपते हैं। देखते हो टाइम्स ऑफ इंडिया को कितने पेज का रहता है, 5 रुपये का न्यूज़पेपर 75 पेज होते हैं, 5 रुपये में 75 छेप छपते हैं कभी, क्यों, एडवर्टीजमेंट देख रहे हो आप, वो तो फ्री में दिखा रहे हैं, ऐड वालों से पैसे ले रहे हैं, उनको मतलब नहीं। तो TOI कभी नहीं पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी में यदि बहुत हो कि भैया कुछ भी हो जाए हिंदी में ही पढ़ना न्यूज़पेपर, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण इनफ है, 14-15 पेज होते हैं, नेशनल एडिशन है, ऐसा नहीं गाजियाबाद विशेष पढ़ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। लोनी में एक घर गिरा 45 लोग ढेर, तो ये सब घटनाएँ काम की नहीं है, ये सब घटनाएँ रिक्शा विक्शा वालों के साथ चर्चा करने में मिल जाती हैं। पंजाब केसरी कभी नहीं पढ़ना, ठीक है, वो चाय की नुक्कड़ की दुकान पे पंजाब केसरी वहीं तक को सीमित रहना चाहिए। आपकी जो स्टूडेंट स्टडी टेबल पे आना चाहिए द हिंदू या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ठीक। अब जो पूरा पैटर्न है उसमें द हिंदू की भूमिका, तो आज कल से ही द हिंदू न्यूज़पेपर वैसे सॉफ्ट कॉपी आपको भेजी जाती है, खरीदने की जरूरत नहीं है, जिसको मज़ा आता है लैपटॉप और उसमें पढ़ने पे, या जिसको 10 रुपये डेली दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो द हिंदू की प्रति मंगवा ले। गाजियाबाद जैसे शहर में ज़्यादा प्रतियां नहीं आती हैं, 200-300 प्रतियां आती हैं, अफीम के भाव बिकता है यहाँ पे। यदि आप कहेंगे तो 4 दिन बुक कराएगा, 5वें दिन से आपके आना शुरू होगा। तो यदि आप गाजियाबाद में रहेंगे तो आप उसको मंगवा लीजिए, 10 रुपये का न्यूज़पेपर होता है वो, ठीक है, न्यूज़पेपर वो 10 का आता ही है, चाहे दिल्ली में ले लो चाहे यहाँ ले लो, हर जगह का सेम रेट है। तो द हिंदू मंगवा लीजिए, हाँ दैनिक जागरण 5 रुपये में आता है, लेकिन 5 रुपये के चक्कर में भविष्य थोड़ा ना खराब करना। द हिंदू पढ़ना है, डर खत्म करो, द हिंदू हम पढ़ाएंगे बैठ के, इसलिए 7 दिन आपको खरीद के रखना अपने पास, जब संस्था में यहाँ पढ़ाया जाएगा इसलिए लेके आना उसे, और पूरी गड्डी 7 दिन के कैंची साथ में लेकर आइएगा, और गंदगी जो की है उसको उठा के भी ले जाइएगा, ठीक है। जो जो बताया जाए कि आज की न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने के बाद उसको कट करना है, अपने एनवेलप पे यहीं पे डाल लेना है, ठीक है, ये कर सकते हो, नहीं तो टिक मार के ले जा सकते हो, हमारा काम रहेगा वो सब कराना, लेकिन द हिंदू डेली का आपके पास होना चाहिए, अपना अपना होना चाहिए, नहीं कि आप नहीं, शशि शेखर शर्मा लेंगे और मैं पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और डिज़ाइन की है, मैगजीन, 5 मैगजीन इम्पॉर्टेंट होती हैं UPPCS के लिए, 5 मैगजीन होती हैं, वर्ल्ड फोकस, शायद देखिए चुना है कि वर्ल्ड फोकस नाम की एक मैगजीन होती है, कभी पढ़ा है, बहुत ही विशेष मैगजीन होती है वर्ल्ड फोकस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे बेहतरीन बुक, ठीक है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से और भी बढ़िया तरीके से, तो आपको वर्ल्ड फोकस मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा क्या, वर्ल्ड फोकस में हम टॉपिक बताएंगे कि ये वर्ल्ड फोकस में 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस, हाँ उसमें 50 टॉपिक लिखे हुए हैं लेकिन हम 4 ही बताएंगे, उसमें कुछ कुछ की पॉइंट बता देंगे, ख़त्म बात। ये थोड़ा ना कि पूरा एक महीना वर्ल्ड, एक सप्ताह में हर एक संडे को एक मैगजीन कराई जाएगी आपको, एक में एक फर्स्ट वीक में वर्ल्ड फोकस, सेकंड वीक में योजना, फिर कुरुक्षेत्र, फिर विज्ञान प्रगति, ये 4 मैगजीन है। 5वीं मैगजीन कोई भी आप लीजिए, जिसमें से सबसे बेस्ट मुझे यदि कोई लगती है तो दृष्टि की आती है, करंट अफेयर्स टुडे, वो आप परचेज कर लीजिए, अच्छी मैगजीन है, या फिर क्रॉनिकल की सिविल सर्विसेज, क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज के नाम से आती है, वो ले लीजिए, वो 2 मैगजीन में से कोई भी आप चूज कर लीजिए। जिसको बिल्कुल UPPCS ही देना है उसके लिए घटना चक्र रामबाण, वो उसकी भी मंथली मैगजीन आती है,
ठीक है, इन तीन मैगजीन में कोई विकल्प चुन लीजिए। दृष्टि का शायद इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, नहीं है, आना चालू कर दिया है, तो आप उसको इंग्लिश ले सकते हैं, बेस्ट मैगजीन है। क्रॉनिकल का दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश और अच्छा है उसका, लेकिन हिंदी में वो क्या करता है, टॉपिक वाइज कैटेगरीफाइज कर देता है। तो अपनी अपनी मैगजीन ले लें, उस मैगजीन को पूरे महीने में ख़त्म खुद करना आपको, वो आपका काम होगा। बाकी की चार मैगजीनों में हम आपको बताएंगे ये आर्टिकल पढ़ना है, बस उतना आर्टिकल पढ़ के उसको काटना है, उसमें टॉपिक लिखना है कि इकोनॉमी का आर्टिकल है, पॉलिटी का, और उसके इन्वॉल्व में इनबिल्ड कर देना, ख़त्म बात। जब मेंस देने जाओगे उसके दो दिन पहले उसको खोलना है, उस इन्वॉल्व को, और खोल के अपना देखना है। एक साल का हमें इन्वॉल्व क्रिएट करना है, ठीक है, और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक इन्वॉल्व अपडेट होता चले जाना चाहिए। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये काम आपको करना होगा, ठीक है, वो सारा कुछ अब संस्था में कराया जाएगा, हर सैटरडे संडे हम यही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका काम होगा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि मुख्य परीक्षा में आपका क्या क्या है। तो क्वालिफाइंग नेचर का अंग्रेजी आएगा 300 नंबर का, 75 नंबर ही लाना है, 76 ले आएगा, काम ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हिंदी का एक होता है, भाषा हमारी भारतीय भाषा, 22 भाषाएँ हैं, किस शेड्यूल में, किस शेड्यूल में, आठवीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, उसमें अंग्रेजी का नाम नहीं है, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं आती है। तो आप हिंदी, बंगला, मराठी, उड़िया, कन्नड़, जो आपकी भाषा हो ले लीजिएगा, चूँकि हम हिंदी भाषी से हैं तो हिंदी लेंगे। ये आपको यूपीएससी में, पीसीएस में नहीं होता, पीसीएस का पैटर्न अलग है, वो अलग बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी का हो गया 300 नंबर, यहाँ पे भी वही सेम तरीका है। आपको शायद पता नहीं हो पीसीएस का मेंस चेंज हो गया है, क्या हो गया पीसीएस के मेंस में, क्या हो गया है पूछिए, क्या मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य हो गया है, मिनिमम मार्क्स कर दिया, बताओ, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स नहीं है, वहाँ पे मिनिमम मार्क्स, इसीलिए वो ज़्यादा कठिन हो गया। 10% चाहिए यहाँ भी है, यहाँ पे अब 10% मिनिमम मार्क्स होता क्या है, ये तो बेइज्जती, घर घोर बेइज्जती है 10% से कम लेकर आते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 40% है मिनिमम मार्क्स, 40% का मतलब समझते हैं, दांतों तले पसीना, मेंस में भी, उसके लिए घोर तैयारी हम कराएंगे, घबराना नहीं है, पानी मंगवाया जाए, घबराना नहीं है, ऐसे नहीं SDM बनेंगे अब, ठीक है। और एक बार SDM बनने के बाद फिर मज़ा भी आएगा, क्योंकि घोर मेहनत के बाद जा रहे हैं। जो बच्चा अभी जून में आपने मेंस, ये इन्होंने मेंस लिखा था इलाहाबाद में, और सौभाग्य से हमारा सेंटर साथ ही में गया था, ठीक है, बगल में ही सीट थी, आगे पीछे हिस्ट्री के पेपर में तो आगे पीछे थे ये, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस बार मेंस देने में। तो जो बच्चा मेंस देता है और गर्मी के महीने में मेंस देता है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बच्चा होता है, बढ़िया परवरिश होती है AC वालों की, तो क्योंकि सेंटर में आयोग AC लगा के नहीं देता, किसी भी सेंटर में हालत ख़राब हो जाती है। पहले वाले में तो हाथ काम करते हैं, दूसरे वाले में दिमाग हैंग हो जाता है। जो लोग बोलते हैं ना टॉपर लोग, क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं पता चलता, क्या फ्रेमिंग होती है क्या फ्रेमिंग नहीं होती, उन्हीं को बुला के पूछो इधर आइए, कहाँ फ्रेम किए थे, कौन फ्रेम किया था, कोई फ्रेमिंग नहीं चलती वहाँ पे। वहाँ पे दिमाग में ये आता है कि बस इसका आंसर ये आया, लिखो फास्ट, 7 से 8 मिनट मिलता है मेंस में लिखने में। इस बार अब ये GS भी लिखित हो जाएगा, ये तो PCS की बात कर रहा हूँ। UPSC का दोगे तो UPSC तो और ख़तरनाक है, 25 क्वेश्चन आते हैं, लिखने का प्रैक्टिस इसीलिए तेज़ लिखवाते हैं हम, ठीक है। करिश्मा जी हैं, इनका लिखने का स्पीड और पढ़ने का स्पीड जब आई थी और अब आई थी तो बहुत इंप्रूवमेंट है, सबसे फास्ट लिखती हैं, जैसे ही बोला लिख गया, इनके नोट्स में आ जाता, क्यों, लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि पता है बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला, तो हाथों को दर्द होगा। राम सुबह आपको एक काम करना है, एक तेल खरीदना है छोटी सी बॉटल, विशेष रूप से किसी डॉक्टर से लिखवा लेना है कि मेरे हाथों के लिए बता दो, तो उसकी मालिश करके आना है, खासकर दो उंगलियों का ज़्यादा ध्यान, एक अंगूठा और एक ये, ठीक है, विशेष रूप से बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाएगी, गति से लिखवाते हैं हम, छूटेगा भी, छूटेगा तो फिल इन दी ब्लैंक्स बाद में भरिएगा किसी से अच्छे संबंध बना के, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका ये पेपर है। इसके बाद निबंध का पेपर है 250 मार्क्स का, ये आपको करना है। निबंध आपको आसान नहीं होता, आसान नहीं होता निबंध, क्योंकि स्वतंत्र विचारों को क्रमबद्ध करना होता है। निबंध कोई पढ़ा सकता है? निबंध जिसको बांधा ना जा सके उसे बांध सकते हैं? बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि ये पॉइंट बता दो, इतने पॉइंट इकोनॉमी में डालने होते हैं, इतने पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट इसका पैटर्न नहीं होता है। निबंध आपके स्वच्छंद विचार हैं, कितने अच्छा तर्कशील तरीके से आप सोच सकते हो, कैसे क्रमबद्धता से अपनी बातों को संजो सकते हो, कितना उड़ सकते हो,
कितने डायमेंशंस को ला सकते हो, यही निबंध होता है। ठीक है, गद्य के साथ साथ पद्य को भी जोड़ सकते हो, कोटेशन भी डाल सकते हो, इसे निबंध कहते हैं। बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता। डरो मत, देखो भयभीत करा रहा हूँ लेकिन डरो मत। डर जाओगे आज तो कल के दिन फायदा होगा। मेरे साथ पढ़ोगे तो किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को हम लोग सुलझाएंगे, हर गुत्थियों को मज़ा आएगा। ऐसे तो ना डीएम बनते हैं। नेक्स्ट, समान अध्ययन के चार पेपर होते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम पे 250 मार्क्स का है, 3 घंटे की अवधि है। पीसीएस ने कहा कि नहीं हम 200 का लेंगे। ठीक है, 200 का लेंगे, यानी कुछ शायद क्वेश्चन कम रहे उसके, या 15 ही क्वेश्चन, यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और ये धोखा करता है यूपीएससी, कहता है 20 क्वेश्चन लेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन में ए और बी करके दो पूछ लेता है, तो वो उतना ही हो जाता है। कहने की बात कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन अब पीसीएस में भी ऐसा ही होगा। अभी जैसे कि 5 क्वेश्चन लेता है किसमें, ऑप्शनल पेपर में पीसीएस, लेकिन वो 5 होते नहीं, होते 15 हैं। ठीक है, एक पहले क्वेश्चन में ए बी सी करके 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब ये तो पेपर जब सामने आएगा तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, लेवल क्लियर हो पाएगा, इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, तो 4 पेपर आपके जीएस के होंगे, आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बोलिए आसान है, आसान है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है और भारतीय समाज आता है। आसानी से पढ़ लेंगे, आसानी से इसको जब मेरे साथ पढ़ोगे। मेरे साथ जो बच्चे जीएस पढ़े थे हिस्ट्री का, वो भी ऑप्शनल का पेपर करके आए। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन बैच में थे, जो इस बार मेंस दिए थे, उनमें से जीएस वाले बच्चे ऑप्शनल का करके आ गए। हिस्ट्री इतना अच्छे से हमने पढ़ाया, डीप पढ़ाया, हर चीज़, समुद्रगुप्त की जो नीतियाँ थी, दक्षिणापथ की, उत्तरापथ की, सब आया था। कोई ऐसा सेक्शन नहीं रहा जो हमारे पढ़ाए भी उस सिलेबस से आया हो बाहर। क्यों? जीएस में इतना डिटेल हम पढ़ रहे हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, दूसरा, ज्योग्राफी भी आसानी से करा दिया जाएगा। ज्योग्राफी हम 2-3 लोग अभी बताएंगे कहाँ पे कौन पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं, 8 लोगों की टीम जुड़ चुकी है, और उसमें से 3 तो अभी रेगुलर क्लासेस आप लोगों की ले रहे हैं, बाकी मिस्टर मयंक सर हैं, मयंक सर अभी आपके, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन फिर भी क्लास के लिए आएंगे। पार्थ उपाध्याय सर हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस क्या, एडवोकेट ही हैं, प्रैक्टिस ही बोलते हैं, वकील तो जीवन पर्यंत प्रैक्टिस करता है, तो वो भी आपकी क्लास यहाँ पे लेंगे। बाकी और भी जो चीज़ें हैं अभी हम क्रमबद्धता से आपको बता देंगे। तो ये आपके सारे जीएस के हो गए। वैकल्पिक एक प्रश्न पत्र आपको चुनना पड़ेगा। वैकल्पिक प्रश्न पत्र हमारे द्वारा अवेलेबल कराए जाएंगे, कौन कौन सा बता देता हूँ। एक तो हिस्ट्री यदि आप लेंगे तो मेरे द्वारा पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, मेरे द्वारा, और एक फैकल्टी और भी मुखर्जी नगर से आएंगी, जल्द नाम बता दिया जाएगा, उनको सेलेक्ट कर लिया गया है प्रोसीजर में। दूसरा, पहला तो ये, दूसरा ज्योग्राफी ऑप्शनल हमने अवेलेबल करा दिया यहाँ पे, शशि शर्मा सर ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैड यदि आप चूज करेंगे तो पबैड आपको मिल जाएगा, रविंद्र सर पढ़ाएंगे। सोशल वर्क मेरे द्वारा, ठीक है, सोशल वर्क, ये 4 ऑप्शनल अवेलेबल हैं। 4 ऑप्शनल में जो भी आपका, यदि इनमें से कोई होगा तो कर लेंगे, बाकी का यदि कोई है तो गाइड कर देंगे। सोशल, यदि सोशोलॉजी है, गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बुक्स बता दी जाएंगे, भाई ये पढ़ लेना, ये जाके खरीद लाओ मुखर्जी नगर से, है ना, तो आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। लिखित परीक्षा आपकी 1750 अंक की आईएएस एग्जाम पे होती है, पीसीएस में 1500 अंक की होती है। ठीक है, वहाँ 200 अंक थे, यहाँ 250 थे, तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा। इसके बाद साक्षात्कार यहाँ पे 275 का होता है, पीसीएस में ना के बराबर होता है। सारा लेकर आना है किसमें, हमें यहाँ खींचना है, ये 1750 में खींच के लाना है, 1750 में कोशिश करना है कि 1150, 850 में कुछ नहीं होने जाने वाला, 1150 में टॉपर की बात कर डाला, बहुत ज़्यादा होता है इतना टारगेट, बड़ी सोच रखो, छोटे में क्या होता है, या 1050, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ 1050 का टारगेट हो, 1150 से लेकर के 1050 के बीच का हम रेशियो रखेंगे कि हमें यहाँ टेंशन ना लेना पड़े, जो देना होगा दे देंगे। इतना भी गंदा व्यक्तित्व तो नहीं है हमारा, पर्सनालिटी इतनी भी घटिया नहीं है कि हमें 2 ही नंबर देंगे, 2 नंबर देख भगा देंगे जाओ, नहीं, कुछ भी हो देंगे 100 नंबर, 275 में 100 लाइक नहीं है, हम इतना तो देंगे ना। ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे आपको इंटरव्यू के ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है, मेंस के चक्कर में पढ़ना, आपका मेंस आपके हाथ में, इंटरव्यू कोई और दे रहा है आपको, कोई और आक रहा है, लेकिन मेंस आप लिख के आ रहे हो, आप जितना अच्छा लिख के आओगे तो यहाँ पे घसीट, इतने नंबर ले आने हैं
कि इंटरव्यू ना भी देना पड़े तो काम चल जाए, लेकिन जाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बिना इंटरव्यू की भैया अब मैं नहीं जाऊँगा, मेरा हो गया सिलेक्शन, या इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठ गया कि नंबर दीजिए चाहे ना दीजिए, आपके भरोसे थोड़ा ना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना, नहीं तो सब खत्म हो जाता है। तो 275 नंबर का इंटरव्यू टोटल होता है 2025, इस पर ही फाइनल लिस्ट बनती है, और इस फाइनल लिस्ट पर जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको रैंक के आधार पर, रैंक के आधार पर पोस्ट मिल जाती है। क्लियर? चलो अगला, ये हो गया यूपी। हाँ, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, पहले अपनी परीक्षा का नाम याद कीजिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की योजना है, इसमें भी समान अध्ययन के 150 अंक और सीसैट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में 80 क्वेश्चन थे, वहाँ 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अजीबो तरीक का होता है, क्या अजीबो तरीक होता है, दिया है किसी ने सीसैट का? सीसैट का कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से पूछते हैं वो पता नहीं, उसे पता है आयोग के लोगों को पता कि नहीं पता, कम्युनिकेशन स्किल ऐसा कैसे होता है भाई? देखा है पेपर? कम्युनिकेशन स्किल आता है इसमें, मैथ रीजनिंग तो आपका आता ही आता है, कम्प्रीहेंशन एक बड़ा सेक्शन होता है आता है, इंग्लिश भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ठीक है, डिसीजन मेकिंग तक बात समझ में आती है, लेकिन इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल IAS का जो होता है और PCS का जो होता है, दोनों में बेसिक बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है? यहाँ पे हिंदी भी पूछी जाती है, तो ओवरऑल ये सब कुछ करा दिया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी तरीके की। नेक्स्ट माइनस मार्किंग है, यहाँ पे बचना है, मुझे लग रहा है इस बार आधे ज़्यादा इधर ही जाएंगे, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन स्किल इंटरपर्सनल स्किल उसमें कुछ दिक्कत है, इसलिए मैथ रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन अपना मजबूत करना है कि कम से कम ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ आता है, यूपीएससी में नहीं आता, यूपीएससी में सीसैट में इंग्लिश में हटा दिया गया, 2015 में बड़ा आंदोलन हुआ था छात्र आंदोलन, सीसैट हटाओ आंदोलन, तो सीसैट तो नहीं हटा लेकिन इंग्लिश हट गई, ठीक है? और बहुत सारे लोग दुर्भाग्यशाली हो गए, IIT IIM के लोग क्या करते थे, मैथ रीजनिंग के भरोसे सीसैट में ही 190 से ज़्यादा नंबर ले आते थे, और जो बच्चे बेचारे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी ये सब पढ़ के बैठे होते थे, GS में उनके नंबर कम आते ही थे, तो जिस कारण से उनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ जाता था, इसलिए सीसैट वगैरह हटा दिया गया, क्योंकि भेदभावकारी था वास्तव में। इसके बाद मुख्य परीक्षा PCS की जो अभी बदली है, हमान हिंदी का 150 अंकों का 3 घंटे का है, निबंध 150 3 घंटे का है, समान अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र 200 नंबर का 3 घंटे का है, समान अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंक का 3 घंटे का है, समान अध्ययन का तृतीय प्रश्न पत्र 200 अंक का 3 घंटे का है, चतुर्थ प्रश्न पत्र नया जुड़ा है एथिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 200 अंक का 3 घंटे का है, वैकल्पिक विषय 200 अंक के 2 पेपर होंगे आपके 3-3 घंटे के, तो टोटल अभी इस बार, पहले अभी क्या होता था, अभी तुरंत पेपर ख़त्म हो जाते थे, पहले दिन GS के दोनों पेपर हो जाते थे, दूसरे दिन हिंदी के दूसरे हो जाते थे, तीसरे दिन ऑप्शनल के, चौथे दिन दूसरे ऑप्शनल के, 4 दिन में पेपर ख़त्म। अब 4 दिन नहीं लगेगा, अब ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है? 3 दिन बाद लोग ग्लूकोज चढ़वाएंगे, इसलिए पहले से ही ग्लूकोज चढ़वा के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है? ये एक मेंस से पहले डॉक्टर को बुलाना है, ग्लूकोज चेक कराइए और इसके बाद चढ़वाइए, फिर मेंस देने जाइए। चलो, ज़रूरत पड़ेगी, मैं डरा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कुल अंक है 1500 अंक, ठीक है? और 100 अंक का इंटरव्यू, मतलब 100 में 50 तो पक्का मिलेंगे, जाएंगे कहाँ, तो ज़्यादा इसके चक्कर नहीं पड़ना, यहाँ पे लेके आना है 1000 नंबर हमें, SDM पाना है तो, ठीक है? 1000 का काम यहाँ करना है, 1600 अंक का टोटल मेरिट बनेगी, जो सेलेक्ट होगा उसको पोस्ट मिलेगा, ठीक? इस बार बहुत पोस्ट है, बहुत बढ़िया से मौका है इस बार का, अगली बार और भी होगा। ये है हम लोगों का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है कि कौन क्या पढ़ाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को ना दिखे तो अच्छा है, नहीं दिख रहा, प्रयास करते हैं दिखे, अब दिखा, चश्मा लगवाइए भाई, अब दिखा, अब तो पक्का दिखे। ये देखिए, ये है प्रारंभिक परीक्षा राष्ट्रीय और करंट अफेयर्स उसे 3 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, 3 ही लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो द हिंदू वाला न्यूज़पेपर है तो ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही आएगा। शशि शर्मा, शेखर शर्मा गुलेरी सर, इनके बारे में आप जानते हो, किरण प्रकाशन में 7 बुक लिख चुके हैं, किरण पब्लिकेशन की 7 बुकें इन्होंने लिखी हैं, और 3 साल हो गया, 3 साल से अभी पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, और अब फाइनली यहाँ पर, ठीक है, कर रहे हैं, अब फाइनली परमानेंटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन मैं पढ़ाऊंगा,
भारत और विश्व का भूगोल, भूगोल चूंकि इनका ऑप्शनल भी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल यही कराएंगे तो इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। राज्य व्यवस्था दो लोगों के द्वारा कराया जाएगा, तीन भी हो सकते हैं, पार्थ उपाध्याय सर भी आएंगे इसमें, शशि शेखर सर आएंगे और मेरे द्वारा भी कराया जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था शशि सर, पिछली बार रविंद्र सर ने कराया था, इस बार चेंज किया गया, इसको शशि सर को करवाया जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था आपकी जबरदस्त होगी, ये आप करेंगे तो महसूस करेंगे। पर्यावरण परिस्थिति की रविंद्र सर ही कराते हैं, वही कराएंगे। समान विज्ञान रविंद्र सर ही करा रहे हैं, यहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, ठीक है, बायो का सेक्शन लेकर के, क्योंकि बायो का सेक्शन मेरा रहा है तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी ये किया गया है। ये सीसाइड के सेक्शन में मैक्सिमम चीज़ें तीन लोग मिलके कराएंगे। शशि सर मैथ रीजनिंग के लिए अभी करा रहे हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग के वीडियो तो वो आपके हो रहे हैं, और मेरे द्वारा इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी कुछ कराई जाएंगी, और जो है रविंद्र सर के द्वारा डिसीजन मेकिंग वगैरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मुख्य परीक्षा आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री है मेरे द्वारा। विश्व का इतिहास यहाँ पे चेंज कर दिया गया, चूँकि IR का सेक्शन दिया गया है रविंद्र सर को, तो IR और विश्व इतिहास एक साथ जुड़ाव रखता है। यदि आपको विश्व इतिहास आपने पढ़ा है तभी आप IR को समझ पाएंगे, तो रविंद्र सर विश्व का इतिहास पढ़ाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब टॉपिक इस तरीके से डिसाइड किए गए हैं कि पर्टिकुलर टीचर एक दूसरे को मर्ज करके पढ़ा सके, विश्व का इतिहास और IR को पढ़ाने में किस तरीके का दिक्कत ना आए। स्वतंत्रता, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का ही टॉपिक है, स्वतंत्रता के बाद भारत, तो शशि सर पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, ये पूरा इतिहास मैं प्री कम मेंस वहीं पे पढ़ा दूंगा। देखो हमने दो तरीके से कोर्स को डिवाइड किया, एक होता है प्री कम मेंस, प्री कम मेंस का समझिए क्या होता है प्री कम मेंस। प्री कम मेंस का मतलब होता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्री और मेंस में दोनों में कॉमन है, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी, जैसे ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमी, जैसे इन्वायरमेंट, और जैसे करंट अफेयर्स, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। जनरल साइंस का टॉपिक केवल प्री में आता है, साइंस एंड टेक आता है मेंस में, अलग है वो दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे प्री कम, हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ाएंगे कि प्री और मेंस को एक ही बार ख़त्म, ऐसा नहीं होगा कि प्री के लिए अलग मेंस के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। पॉलिटी प्री के लिए और मेंस के लिए, जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ी, ये प्री और मेंस दोनों के लिए थी। मैंने बाद में आर्टिकल भी पढ़ा दिए और मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल से भी पढ़ा दिया, अध्यादेश को इतना डिटेल्स पढ़ा दिया कि आपके लिए क्वेश्चन आएगा मेंस में, आप लिख के आओगे अध्यादेश। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आएगा, लिख के आओगे, महाभियोग आएगा, लिख के आओगे, लेकिन आर्टिकल भी आपको पते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो प्री कम मेंस पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो कोर्स में डिजाइन किया गया वो है मेंस ओनली। मेंस ओनली मतलब कुछ सब्जेक्ट केवल मेंस में आते हैं, जैसे भारतीय समाज, जैसे विश्व इतिहास, जैसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे सामाजिक न्याय, जैसे आंतरिक सुरक्षा, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसे आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को हमने केवल मेंस ओनली में पढ़ाएंगे। ये 1 सितंबर से आपके क्लास चालू होंगे मेंस ओनली का। दो टाइमिंग रहेगी, एक टाइमिंग तो 9:30 बजे से सुबह की जो अभी है, 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलाएंगे, ठीक है। दूसरी टाइमिंग रहेगी आपकी 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, ठीक है। अब आपके ऊपर है, यदि आप दोनों को, यदि इसी बार देना है 2019 में देना है तो दोनों टाइमिंग को एक साथ लेना होगा, दोनों टाइमिंग को एक साथ लेना होगा ताकि टाइम से आपका पूरा सही। देखो एग्जाम उसी साल देना है, ये ध्यान रख लो, फिर एक बार सुनो मेरी बात, जिस साल सेलेक्ट होना हो, फाइनली बता रहा हूँ, जिस साल आपको फाइनली सेलेक्ट होना हो, जिस साल सोच लिया कि टारगेटेड ईयर है, और पता कैसे चलेगा कि सिलेक्शन होगा, पता चलने का एक ही तरीका है, फाइनल लिस्ट में नाम आने का कैसा तरीका है, कि जब प्री देने से पहले आप मेंस के लिए तैयार हो जाते हो, जैसे अभी प्री आने वाला 19 अगस्त, जो बच्चे से कह दिया जाए कि चलो अभी मेंस दे दो, और वो मेंस देने के लिए तैयार होगा, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ये गारंटेड। प्री देने से पहले, प्री देने के 1 महीने पहले आप मेंस का सिलेबस कवर करके बैठे हो तो आपका सिलेक्शन उसी साल हो जाएगा, अन्यथा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के साथ साथ पूरी एज एक्सपायर होने में कितना टाइम लग जाता है ये कोई नहीं। प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, प्री भी निकलेगा, मेंस भी नहीं निकलेगा, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, हजारों एग्जाम्पल है। क्यों, कभी भी वो क्या किए हो, जल्दबाजी कर दी एग्जाम देने में, तो कभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पहली शर्त, ठीक। यदि फाइनली सिलेक्शन लेना हो, मैं बहुत ये गुरु गुरु वाले सूत्र दे रहा हूँ, फाइनल जिस अब जैसे इस साल यदि आप मेंस के लिए अभी तैयार हो तो दे दो एग्जाम, यदि दे दोगे तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन इसी बार फाइनल लिस्ट में। क्या होता है, जैसे ही प्री खत्म होता है तो बच्चा लग जाता है आंसर की चेक करने में, अब वो बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाता है,
ठीक है, एक कोचिंग कहती इतनी कट ऑफ जाएगी, दूसरी कहती इतनी जाएगी, जो कोचिंग कहती कम कट ऑफ जाएगी उसी कोचिंग का वो भक्त बन जाता है। रोज कहता है बहुत बढ़िया, यदि कोई दूसरा बता दिया और कम कटा और खुश हो जाता है, उसे लगता है मैं, लेकिन उपापोह में बना रहता है कि आज होगा कि नहीं होगा, उस चक्कर में एक महीना उसका चला जाता है। जबकि करना क्या चाहिए, जैसे प्री खत्म, क्योंकि मेंस का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर रखा है, प्री खत्म होने के 4 दिन रिफ्रेशमेंट के होते हैं, 4 से 5 दिन जाइए टहल घूम के आइए, 6वें दिन से फिर से बुक बैठिए, मटेरियल कलेक्ट कीजिए पूरा, करंट अफेयर्स का 1 साल का हर चीज़ का मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके मेंस की तैयारी पर लग जाया जाता है, और वो मेंस की तैयारी नई नई पढ़ी जाती है, रिवीजन किया जाता है। आपको क्या लगता है पीटी देने के बाद इथिक्स नए से पढ़ोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी नए, वर्ल्ड इतिहास नए से पढ़ोगे? टाइम नहीं, तो रिवीजन का टाइम होना चाहिए, आपको रिवाइज करना होगा। तो जब 2019 में आप दे रहे होगे तो आपको प्री से पहले सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, दोनों सेक्शन को एक साथ लेके चलेंगे ताकि आप दोनों कंप्लीट कर चुके हों, और इसके बाद आराम से 1 महीने हम केवल पीटी कराएंगे। 1 महीने पीटी होने के बाद, यानी करंट अफेयर्स, पीटी का मतलब हम करंट अफेयर्स है, वन लाइनर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जाना है मेंस एग्जाम पे, उसके बाद पीटी देना है, फाइनली पीटी निकलेगा, और पीटी निकलने बाद फिर मेंस देना। इस बार 24 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है आज़ादी एकेडमी से, जो लोग ऑनलाइन बैच से जुड़े थे, और जिन लोगों ने इस बार बहुत सिलेक्टेड, ऑफलाइन में हमने सिर्फ रवेन सर को मैंने बोला था कि सर आप दीजिए, रवेन सर का भी प्री क्वालिफाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी लोग जिन्होंने भी दिया है, लगभग 50 बच्चों को मैंने बोला था, 50 में 24 का ही हो पाया, बाकी लोगों ने अपना एडमिट बोल, कई लोगों ने बोला तो बहुत लोगों ने, लेकिन जब मैंने कहा कि भाई अपना रिजल्ट तो भेज दो, तो रिजल्ट के टाइम पे सिर्फ 24 लोगों ने भेजा, बाकी सब लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेंस के लिए हम उनको गाइड कर रहे हैं, और जब मेंस के बाद फाइनल लिस्ट आती है तो कहीं जाके बताना अच्छा लगता है, इसलिए हमने प्रीलिम्स का कौन रिजल्ट को डिस्क्लोज करता है, लेकिन फाइनली तो जैसे तरीके से चलना, जिस तरीके से आपको बताया जाए उस तरीके के अलावा इधर उधर नहीं मुड़ना, ये ध्यान रखना है। समय लेके चलो, जल्दबाजी नहीं करना किसी चीज़ में, जब आपको कह दिया जाए, लक्षण से पता चल जाता है ना कि आपका होगा कि नहीं होगा, आपको देना है कि नहीं देना, जब आपके लक्षण दिखने लग जाए, पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं, तो यदि पूत के पाँव पालने में दिखने लग जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप दीजिए, ठीक है, और अन्यथा मत दीजिए। रही बात दूसरी कि कौन कह रहा है, ठीक है, मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला, मैं अपने बारे में थोड़ा सा चंद ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा ही बताऊँगा। 2014 में मैं फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, पहले ही अटेम्प्ट दिया था, बी ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट थी मेरी, ठीक है, मैंने जॉब छोड़ी, किस लिए, UPSC जाना था, IAS बनना था, और उसके कारण से जॉब छोड़ने के बाद 2016 में मैंने पहली बार IAS के इंटरव्यू तक पहुंचा, फाइनली नहीं हुआ का कोई सक्सेस, जब आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो सीधा यही होता है कि नहीं हुआ, 11-12 नंबर से रुका था। 2016 को IAS PCS भी दिया था पहली बार, उसका भी मेंस लिखा था, जिसको अभी तक लोगों ने रोक के रखा है, लोगों ने रोका है, आयोग कौन रोकता है, सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, तब से रुका हुआ मामला, और 17 का भी देखे आए, ठीक है। 25 साल के अंदर मैं देश की जितने भी ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, सब जगह पढ़ा चुका हूँ, मुखर्जी नगर पढ़ाता हूँ, ठीक है, इससे एक पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ तो गलत नहीं, 5 साल का रिसर्च है मेरे पास, 5 साल के रिसर्च के आधार पर आपको बता रहा हूँ, और मैंने कम से कम, नहीं होगा तो कम से कम 1800 से 1900 बच्चों को अभी तक गाइड किया होगा, ज़्यादा संख्या तो नहीं कर पाया, जिनमें से 3 लोगों को तो SDM बना चुका हूँ, 3 में से एक मेरा रूम पार्टनर ही है, ठीक है, वो भी जानता है, ठीक है, पूरे, और IIT मुंबई तक के बच्चे मुझसे अभी समय गाइडेंस कर रहा हूँ उनको, जो कोचिंग ले ही नहीं रहे वो बोल रहे बस इनफ है, काम हो जाएगा, क्योंकि IIT का बच्चा है ना, उसको यदि टेक्निक पता चल गई तो खुद सेल्फ स्टडी कर लेता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गाइडेंस में कोई किसी तरीके का लापरवाही नहीं किया जा रहा, जैसे जैसे बताया जा रहा जल्दबाजी नहीं करना, जहाँ पर जो टेक्निक बताई जाए उसी टेक्निक के हिसाब से चलना है, पहली बात तो ये, जल्दबाजी करोगे फिर इतना लेट हो जाएगा कि फिर कितना एज ख़त्म हो जाएगा फिर आप जानिएगा, बहुत लोग जल्दबाजी किए और फिर बाद में शांत होकर के कर रहे हैं। आज के टाइम पे आज़ाद एस एकेडमी के 34 ऑनलाइन बैच चलते हैं पूरे इंडिया भर में, उत्तर प्रदेश का बच्चा जो तमिलनाडु में जॉब करता है वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सिलेक्टेड लोग जुड़े हुए, DPSP हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, तैयारी कर SDM बनना है उनको, अभी दिल नहीं भरा है, मैक्सिमम लोग सिलेक्टेड हैं, आधे बैंक में, आधे इसमें पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं, SI वाले, वो पीड़ित रहते हैं पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के 12 बच्चे हैं, केवल दिल्ली पुलिस के, क्राइम ब्रांच से कितने लोग हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सही तरीके से आपके साथ न्याय किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, आपके साथ न्याय होगा, इसलिए आपको किसी तरह का डाउट नहीं करना कहीं पर,
जैसे जैसे बताएंगे आप, जब पढ़ोगे तो खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सिंपल सीधी सी बात, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा ये आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, ठीक है, पूरा प्रॉस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम हमारा चैनल है, ठीक है, वहाँ पे डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी। ये फ़ी स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें आपको पता होंगी ऑफलाइन की, बहुत फ़ी हम लोगों ने नॉर्मल रखी है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, ठीक है, सब कुछ वाकिफ़ हैं आप। और आप इसकी तो मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, इसी पे दिया गया है। ये आपको सिलेबस है जो इनबिल्डेड है, पूरा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये पूरा सिलेबस आपको है, सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये UPSC का सिलेबस है और PCS का भी सिलेबस इसी के साथ जोड़ दिया गया है। ये आपका संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम जो अपडेटेड है अभी, ठीक है, मुख्य परीक्षा का। और इसके बाद आपका संघ लोक सेवा आयोग का ये पूरा सेक्शन है, यहाँ पे इथिक्स वगैरह भी जोड़ दिया गया है, चौथा पेपर इथिक्स है आपका, वो भी है सारा कुछ। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम, ये भी यहीं पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हैं, लेकिन क्या क्या अलग है, बहुत चीज़ें अलग हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अंत में इन्होंने एक तो ये जोड़ दिया, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, ठीक है, वन, वन्य जीव, खदान, ये सब चीज़ों पे आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ये चीज़ें नहीं थी अभी तक, और अभी तक इतना डीप नहीं पढ़ते थे यूपी स्पेशल में, अब यूपी स्पेशल डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है मीन्स में ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से आएंगे। यदि इतिहास भी आएगा तो शायद यूपी स्पेशल से 2-3 इतिहास के क्वेश्चन लिखित रूप से हम तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी। समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 2, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर UPSC का सिलेबस है, लेकिन जो नया जोड़ा गया इसमें, नया देख लेते हैं, नया इसमें कुछ ज़्यादा ही लग रहा था मुझे। हाँ, ये कौन जोड़ता है ऐसी ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी पूछ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई भी क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश का क्या जुड़ाव रहा, ये भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी भारत का तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये भी एक अलग सेक्शन, यानी मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स अलग से चलाना ही पड़ेगा। यूपी का करंट अफेयर्स हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा डीप हो गया। इसके बाद ये है आपका आर्थिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दे में तो और भी अच्छे से जोड़ा है, बढ़िया से, इसी में मन लगा के लिखा है। देखिए यहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी समाप्त होती है, 18वां सेक्शन जो है इनका, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिशिष्ट का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए, कैसी इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य का बजट अब पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, औद्योगिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन, कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं, ये सब पढ़ना है। ये सेक्शन UPSC में नहीं है, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे अलग से पढ़ना है। UPSC में कहीं ऐसे करके दिया नहीं है, लेकिन अब इसको आपको अलग से पढ़ना है। इसको बोलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी, एक अलग सेक्शन ही हो जाएगा कृषि प्रौद्योगिकी मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, ये एक टॉपिक आपका अलग से जुड़ जाएगा, तो आपको इसको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये आंतरिक सुरक्षा की जगह कानून व्यवस्था जोड़ दिया, आंतरिक सुरक्षा राज्य संघ सूची का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, तो आपको अब राज्य सूची का ये विषय भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और जिसका हमें सदियों से इंतजार था, इथिक्स, नैतिकता, प्रशासन में नैतिकता, इसको भी जोड़ ही दिया गया। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणामता, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक, तो ये पूरा मानवीय मूल्य वगैरह नीति शास्त्र दो लोग मिलकर पढ़ाएंगे, मेरे द्वारा और रविंद्र सर के द्वारा, केस स्टडी उनके द्वारा, मेरे द्वारा आपको पूरा सेक्शन पढ़ाया जाएगा। लेकिन पबैड उनका ऑप्शनल है, इसलिए पबैड का कुछ सेक्शन इसमें सम्मिलित है, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें, यहाँ पे शासन व्यवस्था में ये ईमानदारी वगैरह तो अलग है, लोक प्रशासकों में सिविल सेवा के मूल्य, नीति शास्त्र, ये भी वैसे इथिक्स का ही टॉपिक है, लेकिन जहाँ पर भी सिविल सेवा से संबंधित टॉपिक होगा उसे अविंसर कराएंगे, बाकी केस स्टडी हम सारी करा देंगे। तो ये है आपका क्या पूरा सिलेबस, और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
क्लासेस ये सिलेबस इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? देखिए इकोनॉमी की क्लास आपकी बिल्कुल रेगुलर तरीके से चालू होगी 1 सितंबर से। 1 सितंबर से दो चीज़ें चालू होंगी, एक तो इकोनॉमी का क्लास चालू होगा आपका व्यवस्थित रूप से शशि शेखर सर द्वारा 9:30 बजे से क्लास चालू कराई जाएगी। दूसरा इवनिंग सेशन में इथिक्स चालू हो जाएगा, शाम को इथिक्स चालू हो जाएगा, ये दो सेक्शन चालू हो जाएंगे। यानी कि ऑफलाइन बैच जो आपका है व्यवस्थित क्रम से 1 सितंबर चालू किया जाए। लेकिन 1 अगस्त से क्या होगा? अभी हमारा एक तो ये मैराथन है, 1 साल का जो सबसे महाकुंभ है ना, UBPCS एग्ज़ाम 2018, तो हम उससे पहले आपकी पॉलिटी कराएंगे। अभी इस दौरान पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी में उपराष्ट्रपति के पास मैं विधायिका में इंटर करूँगा, इसलिए आपका भी विधायिका पढ़ना है आपको। ये सेक्शन अभी ही पढ़ लीजिए क्योंकि पॉलिटी फिर बहुत लेट शुरू होगी। पॉलिटी यदि अभी पढ़ने को मिल रहा है तो इसे अभी ही कर लीजिए, बाकी का जितना सेक्शन है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 19 अगस्त को एग्ज़ाम होना संभावी है बिल्कुल, क्योंकि अभी आया था एक सरकारी पत्र लीक हो गया था और उसमें आपने देखा होगा कि शायद जो प्रधानाचार्य हैं स्कूलों के उनसे सेंट्रल अलॉटमेंट की बात की जा रही थी। तो ओवरऑल इस बार 19 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो 19 अगस्त को एग्ज़ाम देंगे यानी 19 अगस्त की यहाँ छुट्टी रहेगी। बाई 20 या 21 अगस्त को हम पूरा, यानी कि अभी पॉलिटी 19 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले पहले हर हाल में करना है तो करना है। तो पॉलिटी आपकी अब चलेगी रेगुलर बेस पे, ये टाइमिंग जो सुबह की 9:30 बजे से होगी। तो जो भी नए लोग हैं उनको पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगले बैच में पढ़ाऊँगा कि नहीं ये भविष्य बताएगा, ठीक है। हो सकता है पार्ट सर इंटर कर जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, पॉलिटी मेरे साथ अभी आप लोग कंप्लीट करोगे, बिल्कुल नए तरीके से नए सिरे से चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। जैसे आज का टॉपिक आपने पढ़ा उसमें अब आपको कुछ कठिनाई नहीं महसूस होगी क्योंकि मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। एक बात और, 19 तारीख को छुट्टी रखेंगे, ठीक है। संडे की छुट्टी यहाँ पर नहीं होती, फिर सुन लीजिए, संडे की छुट्टी नहीं होती। जिस दिन बारिश हो जिस दिन कुछ भी हो उस दिन की छुट्टी नहीं रखना, रेनकोट खरीद लेना है। क्या करना है? रेनकोट खरीद लेना है। आने वाले समय में बहुत जल्द हो सकता है ये चीज़ सितंबर से ही हम अलॉट करें, क्योंकि अभी काम बहुत होते हैं तो थोड़ा सा आधे घंटे 10-15 मिनट क्लास लेट भी हो जाती है। आने वाले समय में हम ये तैयारी कर रहे हैं कि यदि 9 बजे से क्लास का मतलब होगा, 9 बजे लेट हो गए तो अपनी जिम्मेदारी से हो गए और आपको 10-15 मिनट और लेट कराएंगे कि और अब 10 मिनट आप लेट ही आए हो तो 15 मिनट और इंतज़ार करो, थोड़ा और आराम कर लो। खाना वाना खाने में लेट हो गया होगा, आने में लेट हो गया होगा, ट्रैफिक में लेट हो गया होगा, तो आप 15 मिनट और लेट हो जाओ, थोड़ा सा थोड़ी देर और बैठ के चर्चा पर चर्चा कर लो, किसी से फ़ोन से बात कर लो, ठीक है। वो कराएंगे अभी, उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल अनुशासित कर देंगे, उसकी टेंशन है। ये काम हो चुका है, एक समय पहले जब हम क्लास लेते थे तो वहाँ पे जब भी लेट होते थे बच्चे, ठीक है, तो क्या होता था, पहले आधा घंटा बैठाते थे तो आधा घंटा उसका और छूटता था अगले दिन से बिल्कुल बिफोर, ठीक है। तो टाइमिंग से क्लास चलेगी जो टाइमिंग आपको दी जाएगी। लेट इसलिए किया जाता है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे क्लास में मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि कितने लोग आए, पता चला 4 आए, बाकी के सब गायब हैं, बाकी इंतज़ार कर रहे हैं, आ रहे हैं आराम आराम से। तो ये होता है कि किसी का अहित ना हो जाए, अनभला ना हो जाए, लेकिन आपके चक्कर में हमारा अनभला हो जाता है, ठीक है। आधा घंटा ख़राब हो जाता है, उसी में कुछ पढ़ा दिया जाएगा तो कोर्स जल्दी खत्म कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले समय में टाइम से कल क्लासेस होंगी, 19 तारीख को आपका छुट्टी रहेगा, संडे ही है उस दिन, करंट अफेयर्स भी नहीं कराएंगे। 20 और 21 को हम क्या कराएंगे, 20-21 को क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आया पैटर्न में क्या बदलाव है, क्योंकि ये पहली बार है, अगला शिकार आप बनने वाले हो 19 वाले, इसलिए इस बार आप अच्छे से पोस्टमार्टम करके उसको देखेंगे, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो 2-3 दिन लेंगे पोस्टमार्टम करने में, पूरा चीड़फाड़ कर देंगे पूरे पेपर का, और चीड़फाड़ करने के बाद हम लोग फिर इंटर करेंगे। फिर इसके बाद आपकी 3 से 4 दिन की छुट्टी, होमवर्क देके भेजा जाएगा। इसके बाद आपका 1 सितंबर से व्यवस्थित क्लास पूरा प्लानर मिलेगा 1 महीने का, कि इस दिन ये क्लास है, इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन ये टीचर की क्लास होगी, इस दिन डबल सेशन होगा, इस दिन सिंगल सेशन होगा, पूरा सितंबर हर 1 तारीख को आपको प्लानर मिल जाएगा कंप्लीट 1 महीने का। उस प्लानर के आधार पे क्लास छूटेगी, जिसका छूट जाएगा अपने भरोसे या अपने किसी सगे संबंधी के भरोसे। एक आदमी से अच्छे व्यवहार बना के रखिएगा, किसी से लड़ भिड़ मत जाइएगा, नहीं तो काम आता है, पूरे वक्त में कोई ना कोई काम आएगा। पर चला आप नहीं आए उसी दिन, वही आया, अब कॉपी चाहिए है ना, या फिर उसी दिन फ़ोटो खींच के तुरंत व्हाट्सअप कर दिया उसने। इसके अलावा संस्था के द्वारा आपको एक व्हाट्सअप नंबर से जोड़ा जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर में आपको संस्था से जैसे जैसे किसी दिन कुछ आपातकालीन स्थिति आ गई, मान लो मैं यहाँ है ही नहीं,
कहीं और क्लास शेड्यूल है मेरी, तो उस दिन आपातकालिक स्थिति में आपको बता दिया जाएगा। जिस दिन उस व्हाट्सएप में यदि कुछ नहीं बताया जाए मतलब क्लास होगी, मतलब क्लास होनी है तो होनी है, यदि बता दिया जाता है तो नहीं होनी। कोशिश यही होगी समय से बता दिया जाए, ठीक है। डेली उसमें न्यूज़पेपर है और भी जो चीज़ें करंट अफेयर्स की। आने वाले समय में मेंस में चूँकि लिखित हो गया है तो अगला मेरा प्रयास ये है कि मेंस का पेपर लिखवाया जाए, डेली आंसर राइटिंग कराई जाए। जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसका सप्ताह में दो बार, जैसे कि मान लो आपका मंडे टू वेडनेसडे, अब ये डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, हर वेडनेसडे को आपका क्या हो, आंसर राइटिंग का क्लास हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, सबको एक पोर्टल से जोड़ा जाएगा, वेबसाइट के पोर्टल से ही हम जोड़ेंगे, और उस पोर्टल में आपको अपने क्वेश्चन जो ऑनलाइन दे रहे होंगे वो सारे सबमिट करेंगे, आप भी देखें, तो आपका सब देख सकते हैं, आप सबका देख सकते हैं, ऐसा सिस्टम कर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस के आंसर राइटिंग की एक बुकलेट बनानी पड़ेगी। रविंद्र सर के द्वारा भी स्पेशली ये काम किया जा रहा है, वो करंट अफेयर्स के टॉपिक देते हैं और करंट अफेयर्स के टॉपिक पर बकायदा चर्चा होती है। कितने टॉपिक हो चुके, आपके पांच हुए, जो ज़्यादा कितने हो चुके अभी तक, 40 टॉपिक के आसपास हो चुके, जो बहुत बड़ी संख्या होती है, जो मेंस देंगे उन्हें पता है क्या होता है 40 टॉपिक, और स्तरीय होते हैं, उनमें सोर्स बताया जाता है कि किस सोर्स से देख के आना, जैसे राज्यसभा का टीवी का विशेष प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम में हर चीज़ को तुरंत उठा लिया जाता है, तो वो आपको दिए जाएंगे, वो घर से आप करेंगे, तो पर्टिकुलर जो टीचर दे वो पर्सनल चला रहे हैं, वो पर्सनली वो टीचर जो चलाएंगे, मेरा अपना होगा, मैं अपना प्रोग्राम चलाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग हम मिला जुला रूप से कराएंगे और उसको आपको इसकी एक कॉपी बनानी है, कॉपी रहेगी तो कॉपी में हम आपको यहीं पर मार्क्स देंगे, फिर घर से आपको चेक करा के लानी पड़ेगी। घर में जानी चाहिए ना कि क्या कितना लिख रहा हो, कितना पढ़ रहा हो, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो घर से साइन करा के आपको लाने पड़ेंगे कि हाँ चलो ठीक है उन्होंने देख लिया। तो चार झप्पर जब घर में पड़ेंगे, ठीक है, जो पैसा दे रहा होगा वो बताएगा जब आपको कि ऐसे ही पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप मेहनत करोगे, ठीक है। ये सारा काम हम करेंगे और इस आधार पे आपकी क्लासेस अब आने वाले समय में चलने वाली हैं एक तरीके से, लेकिन अब रेगुलर बेस पे आपका पॉलिटी जो चल रहा है यही शेड्यूल तरीके से चलेगा, इसमें कोई संशय, हाँ पूछिए। ये पॉलिटी फिर चलेगा नहीं, लेकिन जैसे कल से उपराष्ट्रपति चलेगा तो उसको हमें अपने नई नोट में बिल्कुल नोट्स बनाना है उसका, हर चीज का जाके पढ़ना क्या है, जो आप लिखवा रहे हो उसे ही पढ़ना है। नहीं नहीं, उससे पहले भी कुछ पढ़ना है, जैसे कि पॉलिटी के लिए कल ही मैं बताता इस बात को कि आप लोगों को एक NCERT खरीद लेनी है साथ में। NCERT खरीदनी कुछ नहीं है, खरीदने और इतने का काम बंद कर देना है आपको। यदि नहीं मिलती, क्योंकि बच्चों को हमें बोलना पड़ता है कहाँ कि जाइए मुखर्जी नगर चले जाइए, ठीक है, हमारी वेबसाइट है आज़ाद इस एकेडमी की वेबसाइट है, वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे सारी NCERT अवेलेबल करा दी गई हैं, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यदि नेट चल रहा होगा तो एक बार दिखा दूँगा आपको, azadisacademy.com ये साइट है, वहाँ पे रिसोर्स का आपको सेक्शन आएगा और रिसोर्स के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी NCERT। कौन सी NCERT का नाम लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, कल जो आप लोगों को पढ़ना है। हाँ आ गया, चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले तो गूगल खोलिए, ठीक है, गूगल खोलने के बाद फिर यहाँ जाइए azadisacademy.com। जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको सर्च में सबसे ऊपर ही साइट आ जाएगी, ठीक है, ये है azadisacademy.com, इसको ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली, ये यहाँ पे देखिए रिसोर्स का सेक्शन है, ये रिसोर्स का सेक्शन, यहाँ पे जाना है आपको न्यू NCERT पे। अभी चूँकि आपको पॉलिटी की करनी है, ओल्ड NCERT भी यहाँ पे डाल दी गई, हिस्ट्री की देखिए ओल्ड NCERT जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं अब जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। इसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए या फिर आप हार्ड कॉपी में, ये देखिए प्राचीन भारत बाई RS शर्मा,
ठीक है, ये आर एस शर्मा की प्राचीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी है, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा पड़ा हुआ है, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा पड़ी हुई है, बाकी की ओल्ड एनसीईआरटी बहुत जल्द आ जाएंगी, ठीक है, जितनी भी जैसे हिस्ट्री की देश और उसके निवासी पार्ट टू आ गया है, पार्ट टू वो भी डाल दिया जाएगा यहाँ पे, तो आप एनसीईआरटी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू एनसीईआरटी का सेक्शन ये है, न्यू एनसीईआरटी भी यहाँ से, तो न्यू एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस की डाल दी गई, जो आपको ज़रूरत है पॉलिटी की वो डाल दी गई है। ये देखिए ये पॉलिटी की यहाँ पे एनसीईआरटी है, इसमें कौन सी वाली पहले अभी मुझे चाहिए, ये यहाँ पे है आपका भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, इसको आप क्लिक करिएगा तो ये एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। ये आप चाहे परचेज कर लीजिए मार्केट में जाके, न्यू एनसीईआरटी हर मार्केट में अवेलेबल है, और ओल्ड एनसीईआरटी ये इसका फ्रंट पेज होगा, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये बुक चाहिए हमें, इस बुक को आपको पढ़ना शुरू कर देना है। बाकी जो मैं पढ़ाऊँ नोट्स में इनफ है, ख़त्म, ये सिर्फ आपको वेस के लिए, हाँ इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 ये लिखा है, कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान की पाठ पुस्तक संविधान का सिद्धांत एवं व्यवहार, ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा संविधान होता क्या है, बेसिक है, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको कोई बुक से नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लो, इनफ है, तभी तो डिटेल से करा रहे हैं, नहीं तो इसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ाया जा सकता था, बहुत किताबें अवेलेबल हैं, लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, डीडी बसु पढ़ते हैं, लोग पीएम बख्शी की बुक पढ़ते हैं, जीएन पांडे की बुक पढ़ते हैं, ग्रेविन ऑस्टिन पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, कई किताबें हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपको यदि नहीं मेहनत करनी तो हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है, लक्ष्मीकांत भी है, पीएम बख्शी भी है, डीडी बसु भी है, जीएन पांडे भी है, जितनी किताबें हो सकती हैं, सुभाष कश्यप भी है, सब नोटों का समग्र सार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये आप जाके देखिएगा। जैसे कि अब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आपको मिलना ही नहीं लक्ष्मीकांत में, कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया ढूंढ के जाके देख लो, वो किसी और किताब से पढ़ाई होगी, कोई और सोर्स लिया होगा, तो मैं 15 किताबों का निचोड़ दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट यहीं पर हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट साथ में पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिना मतलब फटफटाना हो फटफटाइए आपकी मर्जी, लेकिन यदि नहीं पढ़ना तो जितना पहले ये एनसीईआरटी लेकिन पढ़ना पड़े, एनसीईआरटी मैं आपको कहता हूँ कि एनसीईआरटी आपको करनी है सारी, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत से दिया गया है, अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे विद्यार्थी की तरह आपको मज़ा आ जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, ये किताब बहुत अच्छी है, जेएनयू के प्रोफेसर से लेके बड़ी बड़ी रिसर्च टीम लिखती है ये सारी चीज़ें। हाँ कहाँ गए, एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि एनसीईआरटी रीड की जाती है ना कि याद की जाती है, रीडिंग जानती हैं किसे कहते हैं, रीडिंग करना होता है बस, याद नहीं करना किसी चीज़ को कि बैठ गए बिल्कुल लेके को बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर दिए, ऐसे पेन रखिए पढ़ना बस, आगे बढ़ते चले गए, जहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग सोचने का काम करने लग जाए तो सोच भी लो, अच्छा क्या कह रहे हैं, देखो पिंटू सोच रहा है, जब पिंटू सोचे और जो सोचने को कहे उसे सोचिए, और पिंटू का जवाब भी दे रही है, यहाँ पे कौन है, हाँ ये रिंकी है, ठीक है, तो ये बता रही है, तो ये देखिए सोच रहा है पिंटू, क्या सोच रहा है, यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव जैसे लोगों जैसा है, तो रिंकी करे हाँ यह तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है, क्या आपके गांव भी शहर कॉलोनी जैसा है, तो ऐसे करके ये सोचने का काम भी करा देगा, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इनको भी देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये सब आपका काम है, खुद करना है, यहाँ पे लास्ट में कुछ प्रैक्टिस भी दिया है, लेकिन प्रैक्टिस वैक्टिस के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये सब टीचर का काम होता है, आप कक्षा 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे इस पूरी एनसीईआरटी को जब पढ़ लोगे तो दूसरा टारगेट दूंगा, इसको कोशिश करो 3-4 दिन के अंदर पढ़ ही लो, पता चला 1 महीना यही चल रही है, 3-4 दिन से ज़्यादा एक एनसीईआरटी का टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम 3-4 दिन, इसको फिर दोबारा फिर पढ़ना है, अगेन रिविज़न, फिर इसके बाद 3-4 दिन में वो फिर ख़त्म हो जानी चाहिए, फिर अगेन 7 दिन बाद पूरी एनसीईआरटी 3 बार पढ़ जानी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपके पास, यानी कि कलम एक बार चल गई तो फिर पीछे नहीं लौटेगी, ये रूल होना चाहिए रीडिंग का, रीडिंग का रूल क्या है, एक बार कदम कलम एक बार कमिटमेंट कर दी तो दोबारा है ना, तो पीछे एक बार कलम आगे आ गई फिर पीछे नहीं जा सकती, चाहे भूल जाए, ये रूल बना लेना, रीडिंग अच्छा रीडर ऐसे होता है, कुछ दिन बाद क्या होगा, प्रैक्टिस पड़े, अभी क्या प्रैक्टिस है, इतना तक पढ़ा, अरे फिर क्या हुआ, फिर इधर से आ गए, पर चला इतना पढ़ने में 2 घंटा लग गया, ठीक है, ये सब नहीं करना है, एक किताब कभी लास्ट पेज तक नहीं पहुंच पाती इसी गंदी हरकत के कारण से, आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और चलते रहना है अविरत अविराम, थक जाते हो रख दो थोड़ी देर चाय दूध कॉफ़ी जो नशा हो उसे करो और करने के बाद ये लग जाओ, ठीक,
बस इतना है, इजीली आप ये करते जाओ, जितना हम पढ़ाते जाए पढ़ते जाओ, जो बुक यहाँ से बताई जाएगी वो पढ़ना है बस इनफ, बाकी अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना। और बताओ क्या दिक्कत है? बाकी आप लोगों का अभी आगे वर्कशॉप सेशन होंगे, सितंबर से जब क्लास होगा तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ बताई जाएंगी, किताबों के नाम लिखवाए जाएंगे, हर चीज़ बताई जाएगी, अप्रोच बताया जाएगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। लेकिन पॉलिटी अभी चूंकि कल से ही है तो पॉलिटी के लिए ये आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल सबके हाथ में होता है, मोबाइल में ये पढ़ सकते हो, नहीं जाके तुरंत प्रिंट आउट, ये देखिए प्रिंट आउट का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं आप, ठीक है, या डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो प्रिंट लेकर के आप इसको अपने घर पे पढ़ते रहिए। क्योंकि काग देखो मेरे हिसाब से जो भी बुक हो उसको खूब गंदी करो, लेके पूरा पेन से मारो तो पता न चले, बच्चों की तरह हरकतें होनी चाहिए, गोला मारो, इम्पॉर्टेंट है, स्टार बनाओ, डबल स्टार बनाओ, पता चलेगा आपको। 19 वालों के लिए ये, 18 वालों के लिए कुछ नहीं, 18 वालों के लिए समय जा चुका है, तो ये 19 के लिए है, आपको ये करना है। इसके बाद और क्या करना होगा, क्या करना होगा ये बताते चले जाएंगे, ठीक है, इकट्ठा सब कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगी 7 दिनों में ख़त्म चाहिए, आज 1 अगस्त है, तो अगला दिन 7 या 8 अगस्त को आपसे जवाबदेही मांगी जाएगी कि आपने इसे ख़त्म कर ली कि नहीं कर ली, ठीक है। चलो सेशन को समाप्त करें, कुछ क्वेश्चन हो पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बताइए कुछ पूछना है, मानसिक शंकाएं, डरना नहीं है, डर लगेगा लेकिन डरना नहीं है, डर लगता है, कहाँ नहीं लगता, घर पे ही जाओ, अंधेरा कमरा हो तो ऐसा लगता है पीछे कोई खड़ा है क्या, मुड़ के देखो कोई नहीं होता, ऐसे ही पीसीएस है, ये डराएगा, यूपीएससी डराएगा, सिलेबस डराएगा, लेकिन पीछे मुड़ को देखोगे कोई रहेगा ही नहीं, डरना नहीं है। जब डर लगे तो संस्था है आपके साथ में, जब टेंशन हो, मोटिवेशन लैक हो, कभी परेशान हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, जब ऐसा लगे कि ज़िंदगी सब नीरस है, जब लगे कि कोई ऐसा मिल जाए दुखड़ा आदमी जिसके कंधों में रख के, तब मेरे पास आना, तब मैं बैठूंगा और आपका दुखड़ा सुनूंगा, कोशिश करूंगा कि उससे आपका, है ना, दुखी नहीं रहना, प्रसन्न मन से तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि पूरे देश का खबर आपको दे दिया गया है, नहीं, कोई आईएएस पीसीएस तैयारी अब बंद, भूल जाओ, अब सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना है, ना कि देश की जिम्मेदारियां लेके अभी से घूमना शुरू करना है, ये सब काम सिलेक्शन के बाद होता है। अभी बच्चा करता है कि आप उसको, यूपीएससी वाले बच्चों को देख लो ना, बिल्कुल ऐसी गंभीर मुद्रा में रहेंगे जैसे कि सारा देश का प्रशासन इनको दे दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को देखो, वो है मुख्य, देखो कितना मस्त मदमस्त मौल मौल, जहाँ जाते हैं हंस खेल के चले आते हैं, सामने वालों को अलग हंसा देते हैं, यूपीएससी के बच्चों के साथ बैठो लगता है इसको हो क्या गया है, पता चल जाता है तैयारी करना शुरू कर दिया बच्चा, यदि परेशान होने लग जाओ तो ये सब नहीं करना है, फन वे पे तैयारी करेंगे, ठीक है, मस्ती के साथ तैयारी होगी, जो नहीं समझ में आएगा एक बार पूछना, दो बार पूछना, 10 बार पूछना, इसके बाद मत पूछना, ठीक है, 10 बार बहुत होता है, इसके बाद छोड़ देना है तैयारी करना, ठीक है। एक ही चीज़ को ना, हाँ, पूछना, बाकी को तो पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी कितनी बार पूछ सकते हैं, आपका पूरा स्वविवेकाधिकार है, वैसे पूछने की स्थिति तक मैं आने नहीं देता हूँ, मुझे खुद सब चेहरे दिख रहे हैं ना, कहाँ 11 बज रहा है, कहाँ 12 बज रहा है, तो सबकी घड़ी 12 पे लानी पड़ती है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है कोई, आपको जितना पूछना चाहो बाद में पूछो, पहले पूछो, व्हाट्सअप में पूछो, फ़ोन करके मत पूछो, ठीक है, तो जितना भी हो सारा चीज़ आप, ठीक है, क्योंकि पहले होता था, पहले शुरुआत में जब संस्था ओपन की थी तो बच्चों को अधिकार दे दिएगा कि फ़ोन करके पूछो, और रात को 2 बजे फ़ोन करके कहते सर डिस्टर्ब तो नहीं किया, मतलब आदमी का व्यक्तिगत जीवन होता है उस टाइम पे, क्यों, वो उस समय पॉलिटी पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत की, वहाँ पे कुछ और लिखा था तो उनको दिक्कत आ गई, अरे रात को बाद 2 बजे कौन लक्ष्मीकांत पढ़ाता है, सुबह आके क्लास में पूछ सकते थे आप, तो ऐसा कुछ नहीं, व्हाट्सअप में डाल दीजिए, वहाँ से आपको जवाब सुबह मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कभी अब कभी ऐसा है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता तो तत्काल प्रभाव से पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन लगा के भी पूछ सकते हो कि सर जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्या करूँ, मेरा मन किसी और चीज़ में नहीं लग रहा, जब तक ये नहीं बता दोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप बता दिया जाएगा आपातकालिक स्थिति, लेकिन वो सब आएगी नहीं, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो फिर यहीं से सत्र, टाइमिंग अभी 9:30 से अगस्त तक चल रहा है, 9:30 से अगस्त तक चलिए, प्लानर मिलेगा आपको बकायदा बताया गया है, 9:30 से अभी 9:30 से जहाँ तक चला जाए पॉलिटी है, 9:30 से 1 बजे तक 1:30 बजे तक ले चलेंगे, ठीक है, 1 से 1:30 तक का स्टेमिना बना के आइएगा, खाना पीना दाना पानी इतना डाल के आइएगा कि 1:30 बजे तक चल जाए वो,
ठीक, चलो चलते हैं फिर। कोई दिक्कत हो तो अब धीरे धीरे डाउट आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। रेगुलर रहिए, टाइम से रहिए।